यहाँ पर होता था जब बड़े इमामबाड़े में आते थे राजा, उनका स्वागत यहीं पर खड़े होकर। ये रोमी गेट है गाइस, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। जहन गाइस नाम आदिल है और आजान व्लॉग्स के नाम से छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जिस पर डेली एक व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ और डालता भी रहता हूँ। फिलहाल गाइस पहुंचा हूँ लखनऊ में, जो इमामबाड़ा है वहीं पर उसके सामने यहाँ पर नौबत खाना है, रोमियो गेट है, उसी को मैं आपको फिलहाल दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो में। चले जी व्लॉग की करते हैं शुरुआत। गाइस यहाँ पर नौबत खाने की बात करें तो जो आप यहाँ पर सामने से देख पा रहे हैं यह नौबत खाना है, इसी के सामने बिल्कुल इमामबाड़ा है। जब इमामबाड़े में यहाँ पर राजा आते थे तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये नौबत खाना है, यहाँ पर खड़े होकर जब राजा आते थे ना, जब नवाब आते थे तो उनका स्वागत किया जाता था इस नौबत खाने में, जो आप सामने से देख पा रहे हैं फिलहाल। आप यहाँ पर इमामबाड़े के सामने बिल्कुल यहाँ पर ये देख रहे होंगे घोड़े तांगे खड़े हैं, इनका काम क्या है, यहाँ से बैठाते हैं और आपको दिखाकर लाते हैं यहाँ से छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी। आप यहाँ पर बैठकर वहां पर जा सकते हैं। नौबत खाने के बाद अब बारी आती है गाइस जो इमामबाड़े के, और यहाँ पर जो नौबत खाना है इसी के साइड में है रोमियो गेट। अब बात करते हैं उसी की। गाइस यहाँ पर रोमियो गेट की बात करूं तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह लखनऊ अवध के नवाबों की सीट, कई शानदार स्मारकों का घर है जो आप यहाँ पर सामने से देख पा रहे हैं। लखनऊ में यह 60 फुट ऊंची रोमी गेट है गाइस। इसका निर्माण गाइस अगर बात की जाए तो असफी उद्दौला के शासनकाल के दौरान सन 1784 से 86 में हुआ था। यह कहा जाता है कि तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल में प्राचीन पोर्टल पर डिजाइन किया गया है, जो आप यहां पर सामने से देख पा रहे हैं ये रोमी गेट, और इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है गाइस। नौबत खाना और क्लॉक टावर यहां सभी रोड के जस्ट बराबर में है, इसलिए यहां पर काफी शोर शराबा रहता है। यह इमामबाड़े का गाइस बाहरी गेट है, यहाँ पर भूल भुलैया भी इसी के अंदर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप टिकट लीजिए और भूल भुलैया का भी आनंद लीजिए, जो आप सामने से देख पा रहे हैं यह बड़ा इमामबाड़ा है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब असीफुद्दौला ने सन 1784 से सन 1794 के मध्य में बनाया था। बड़े इमामबाड़े के साइड में यहाँ पर यह मस्जिद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी उसी टाइम की है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रोमियो गेट के बाहर यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊंट की सवारी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यह जो रोमी गेट है, आपको यहाँ पर बैक एरिया है इसका, यहाँ पर फिलहाल काम चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसको हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना चाहती है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल इसमें वर्किंग प्रोग्रेस हो रही है। करीम कितने का अंकल? करीम कितने है? करीम कितने का? 15 का। ये दे दो मैं पे। अच्छा वाला दे दो। अच्छा है बिल्कुल। मैंने सोचा डबल ना है। और यहाँ पर लिख रखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। यहाँ पर मैंने क्रीम वाली पेस्ट्री ली, यहाँ पर रियली में जिसको खाने में ना रियली में मजा आया, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम थी। तो फाइनली गाइस मेरा छोटा सा व्लॉग था, जो मैंने आपको बड़ा इमामबाड़ा, नौबत खाना और यहाँ पर रोमी गेट को दिखाया, रियली में अच्छा व्लॉग था मेरा यह लखनऊ से। शायद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों पर शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट प्रकार के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।